तो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते तो आपको थंबनेल पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओवरऑल फिर मैं पहुँच जाता हूँ इनसाइड स्पोर्ट्स पे, जो कि गेमिंग अपडेट्स देती रहती है। अब यहाँ पर लिंक पर कॉपी करते ही मैं पहुँच गया ऐप के लिए, जो बेटा टेस्टर है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम, यानी मैं टेस्टर हूँ, बेटा टेस्टर का मुझे एक्सेस है। अब किस किस को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वही आपका डाउट था। तो ऑल ओवर इसका डाउट मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसके लिए जो काम करना रहेगा, वो काम ज़्यादा तो कठिन नहीं है, बट मैं आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो यू आर वेलकम टू अपडेट, ये सब है। यू आर वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम। अभी मैंने साइड में जो आपको बताया था कि मेरे आईडी देखो आप, अब मैं यहाँ पर दूसरी आईडी पे कर रहा हूँ। यू कैन सी साइड में देखोगे आप तो क्रोम में आपको आईडी दिख जाएगी। वही सेम चीज़ मैं लगभग टाइप करूँगा इनसाइड स्पोर्ट सेम लिंक, बट यहाँ पर अब आपको देखने में कुछ और आएगा। देन यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पर अब आप देखेंगे ऐप इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट, और यहाँ अकाउंट का आइकॉन देख लीजिए, मेरा अकाउंट चेंज हो गया। तो यहाँ पर मेरा बेटा टेस्टर वाला भी इसमें ओपन नहीं हो रहा है, और जो मेरा दूसरा वाला जो एक्सेस था उसमें मुझे बेटा का एक्सेस कम्प्लीटली ही मिल रहा है। तो इसका कम्प्लीट मीनिंग क्या है, चलिए इसका तो मैं आपको समझा देता हूँ। कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, जो कि मेरा वैसे तो नई आईडी जो कि मैंने आपको बाद में दी उसी पे है, बट मैं गेम लगभग 2018 के समथिंग से ही खेल रहा था। तो मेरा बेटा टेस्टिंग पर्पस में मैंने इसमें एक्सेस कर रखा था पहले से ही। तो लिटरली मैं एक बहुत पुराना बेटा टेस्टर हूँ। मे बी रीज़न वो हो सकता है कि मुझे उस चीज़ का एक्सेस मिल गया, और हर वर्जन में बेटा टेस्ट किया, और लिटरली सेम डे या लगभग नेक्स्ट डे अप टू 10 AM मैंने वीडियो डाल दी थी। तो भैया, तो आपका ये रिकॉर्ड देखा जाता है, आपने वीडियो कब डाली है, कितनी डाली है, एक रीज़न ये हो सकता है। आपका फीडबैक देखा जाता है, कई बार फीडबैक भी दिए हैं, सो वो भी रीज़न है। बट ऑल ओवर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने कभी भी इसमें बेटा टेस्टर के लिए अप्लाई किया था पहले, तो आपको बहुत हद तक चांस है कि आपको मिल जाएगा। और इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने मेरे फ्रेंड की आईडी में भी किया, जिसने वैसे तो बेटा टेस्टर के लिए कर रखा था, बट वो दूसरी आईडी थी। तो अभी मैंने उसकी आईडी को डिस्क्राइब किया, उसकी उस आईडी पे नहीं दिखा रहा था किसी रीज़न से, कि उसकी नई आईडी थी। बट ऑल ओवर पुरानी जो लगभग लगभग 2020 या उससे पहले पबजी में बेटा टेस्टर रह चुके हैं, पुराने बेटा टेस्टर, उन सबको एक्सेस मिल रहा है यहाँ पर। लगभग मैं बेटा टेस्टर था सीजन 0.7 से, तो यानी कि मैं लगभग लगभग आप समझ सकते हैं 18-19 में ही बेटा टेस्टर बन चुका था। और ऑल ओवर यहाँ थोड़ा सा अगर आप मेरे फ़ोन को देखेंगे, तो यहाँ पर मेरा फ़ोन की मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको यकीन हो जाए कि भाई मेरा फ़ोन पे भी यही सेम चीज़ है, और थोड़ी क्वालिटी डाउन है क्योंकि ये पीसी में जो एक्स्ट्रा कैमरा होता है उसके थ्रू की जा रही थी रिकॉर्ड। तो जस्ट एक्स्ट्रा यूएसबी कैम के थ्रू, तो उस वजह से यहाँ पर ये हो रहा है। और अब जैसे मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे प्ले स्टोर पर लिंक मिल रही है। उधर में मेरा प्ले स्टोर पर हो रही थी, बट उधर से डिवाइस में नहीं हो रहा था। तो ये देखो आप, पूरा वर्किंग है, क्राफ्टोन वाला ही आइकॉन आ रहा है पुराना, तो कह सकते हो कि आप ये पूरा वर्किंग है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका मेन अपडेट भी आने वाला है, तो वो लगभग लगभग आएगा हमारा 2 दिन में, क्योंकि एक वीक के बाद ही हमारा पबजी रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू सीज़न चालू हो जाएगा, मतलब पबजी में भी न्यू सीज़न चालू होना है। तो लगभग लगभग 1 जून को ही इसको भी लॉन्च कर देंगे, मे बी 13 मई को ही लॉन्च कर दें, पर मैं 1 जून आपको फिक्स कह रहा हूँ कि तब तक ये लॉन्च होना ही है। तो एक वीक पहले तो मिनिमम आता ही है कोई भी वो हो अपडेट।
अब यहाँ पर अपडेट जैसे ही आएगा आपको लिंक मिल जाएगी, और मे बी कल या परसों तक में इसका जो बेटा वर्जन है वो भी आ जाए तो वो मिल जाएगा आपको। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने वीडियो एंड तक देखी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने जो मिल पाई मैंने वो आपको दी, तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।